मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग की उन 34 विधानसभा सीटों पर फोकस किया हुआ है जहां पर साल 2018 में यहां के मतदाताओं ने बीजेपी से सत्ता की चाबी छीन कर कांग्रेस को सौंप दी थी। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस अंचल में सामाजिक समरसता सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलनों में मिशन 2023 फतेह करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। वेलकम, मैं पर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें ही मिली थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 26 सीटें और बीएसपी के खाते में 1 सीट गई थी। इसका नतीजा ये था कि प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को बेदखल होना पड़ा था। लेकिन साल 2023 में बीजेपी ये गलती दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए 2020 के बदले हुए समीकरण के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के महाराज सिंधिया अब बीजेपी के पास हैं। इसलिए सिंधिया लगातार अंचल में सामाजिक समरसता सम्मेलन के माध्यम से अलग अलग समाज के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसलिए अब ये मोर्चा प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संभाल लिया है। आपको बता दें कि तोमर की नजर उन विधानसभा सीटों पर है जहां बीजेपी को साल 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान ग्वालियर ग्रामीण और दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मिशन 2023 फतेह करने का गुरु मंत्र दिया और आगामी विधानसभा चुनाव प्रबंधन पर चर्चा कर बूथ लेवल पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। अगर दक्षिण विधानसभा की बात की जाए तो साल 2018 में दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी नेताओं के बागी होने के बाद भी उन्हें गंवानी पड़ी थी। लगातार दक्षिण विधानसभा से चुनाव जीतने वाले पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को महापौर समीक्षा गुप्ता के बागी होने के बाद हार का सामना करना पड़ा था। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तोमर का कहना है कि 2023 का चुनाव बीजेपी ही जीते, इसके लिए अभी से जुट जाएं और कांग्रेस को परास्त कर बीजेपी की सरकार बनाएं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अरे आईडी नीचे करो जी बूथ स्तर के विधानसभा बार कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। मैं आज ग्वालियर आया था तो ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर दक्षिण दो विधानसभाओं में यह कार्यक्रम तय था। बाकी राठौर समाज का, कोली समाज का या अन्य कार्यक्रम थे। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि एक तो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहे हैं, उसमें मतदाताओं को, नए मतदाताओं को बढ़ाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव जीते इसके लिए प्राणपण से जुड़ जाओ, जूझ जाओ और कांग्रेस को परास्त करके भाजपा की सरकार बनाओ। दगाबाजी के चलते हार का सामना करने वाले पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का कहना है कि मेरी हार के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे ये पार्टी के लोगों को पता है। अब मेरी पराजय के बारे में मध्य प्रदेश नहीं, इस देश के अधिकांश राजनीतिक लोगों को मालूम है, जो है उसके ऊपर अपन पराजय की बात ना करें। पर ये है, मैंने वो कहा ना कि परिवार जब बड़ा होता है तो लोगों की इच्छाएं होती हैं। नहीं, अब ये तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय करेगा किसको क्या टिकट देना है। मैंने एक बात मैं आज फिर ये बता रहा हूँ, चार चुनाव हम लड़ चुके, हमने चारों चुनाव में एक भी बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष जाकर के अपने टिकट की मांग नहीं की है। जो पार्टी ने हमें जिम्मेदारी चुनाव लड़ने की दी, हम चुनाव लड़े। जो आगे भी आगे नहीं नहीं, अब वो पार्टी का काम है, वरिष्ठ नेताओं का काम है ये सारा देखना। जो है इस बार भी पार्टी अगर फिर से मौका देती है, जिम्मेदारी देती है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर किसी दूसरे अन्य हमारे भाई को, पार्टी के कार्यकर्ता को देती है तो वो भी पार्टी का नेतृत्व का हमें आदेश स्वीकार है।
गौरतलब है कि साल 2018 में बीजेपी को आपसी गुटबाजी और भीतरघात के चलते अपनी परंपरागत सीट ग्वालियर दक्षिण गंवानी पड़ी थी और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति फिर से न बने, इसके लिए पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और एक बार फिर इसी सीट से 2018 में बीजेपी की हार का कारण बनी पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता चुनाव लड़ने का दम भर चुकी हैं। वहीं पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा भी चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं, जबकि पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर पार्टी ने समीक्षा गुप्ता को टिकट दिया तो वो उनके लिए काम नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे यानी परनिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।